रतलाम के जिला न्यायालय में 10,006,02,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दावा लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस यह दावा कर आदिवासी व्यक्ति ने अपने वकील के जरिए लगाया। व्यक्ति को गैंगरेप के झूठे मामले में 2 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। कोर्ट ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। उसका कहना है कि बेगुनाह होने के बाद भी उसने सजा काटी। प्रताड़ना से ही इसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है। केस की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। रतलाम के गोड़ाखेड़ा निवासी कांतिलाल सिंह उर्फ कांतू को 2 साल पहले गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम के इस केस में उसे अब दोष मुक्त कर दिया है। कांतू के अनुसार बेगुनाह होते हुए भी उसे 2 साल तक जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। इसकी वजह से उसका परिवार सड़क पर आ गया। बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं। पुलिस ने मुझे जबरदस्ती झूठे केस में फंसा दिया। 5 साल हो गए परेशान होते होते। 3 साल पुलिस परेशान करती रही, 2 साल जेल में रहा। कांतू की ओर से वकील विजय सिंह यादव ने राज्य शासन और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 10,006,02,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दावा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया है। वकील विजय सिंह यादव का कहना है कि मानव जीवन का कोई मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। पुलिस और राज्य सरकार की वजह से कांतू का जीवन बर्बाद हो गया। उसे बेगुनाह होने के बावजूद 2 साल तक की जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। कांतू के परिवार में बुजुर्ग मां मीरा, पत्नी लीला और 3 बच्चे हैं। सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। कांतू के लंबी हिरासत के कारण उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। समाज में वापस जाने के लिए और रोजगार के लिए उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से दावा लगाया गया है। समाज को यह भी संदेश देना चाहता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। 2 साल जेल या साहब 3 साल में लोग फरारी घोषणा कर दी, मेरे घर पे निशासन बजरी करवाना के लिए। अब जब बरी होने के बाद कि जो घटना हुई कि उसको जो 2 साल तक जेल में रहा, उसके बच्चे परिवार सब भुखमरी की कगार पर आ गया, उसके बच्चों की शिक्षा विक्षा सब छूट गई है, उसको समाज में वापस जाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी आशय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा 10,006,02,00,000 रुपए का क्षतिपूर्ति का दावा लगाया गया है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।